स्टार्ट करो। ग्रोसरी पेपर है, 2019 का पेपर देखो। टू थाउजेंड नाइनटीन दिसंबर, नवंबर दिसंबर 2019 में। उसने का क्वेश्चन नंबर 1C, क्वेश्चन नंबर 1C चेक करो। पहले मैं उसका बेसिक बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन जब करूंगा तो आपको बताऊंगा बेसिक डाटा रीडिंग कैसे करते हैं उसमें से, और फिर सॉल्व कैसे किया जाता है उसको सॉल्व करके। कुछ नहीं समझ में आए तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करो, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। फिर भी नहीं समझ में, आपको डाउट पूछना है तो मैं माइक ऑन करने की परमिशन दूंगा, आप उससे पूछ सकते। तो एनी हाउ जो भी, मतलब क्योंकि देखो आप देख सकते हो इतने लोग अभी उसमें ऑनलाइन आए हैं, अगर ऑफलाइन लेता और कुछ लोग ज्यादा आते, सभी लोग को मैं एक बैच में नहीं पढ़ा पाता क्लासरूम में ऑफलाइन, इसलिए ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे भी है, मतलब जो भी उसका फायदा उठा लो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1C देखो, दिसंबर 2019 मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द RL सर्किट व्हेन सप्लाइड बाय 180 वोल्ट, 180 वोल्ट दिए हैं, ठीक है। देखो 180 वोल्टेज दिया है और RL सर्किट दिया है, गिवन क्या क्या, देखो सर्किट कौन सा गिवन है, RL सर्किट का क्वेश्चन है, गिवन डाटा लिख रहा हूँ मैं। RL सर्किट है, 180 वोल्टेज है, 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी वोल्टेज दिया है, और क्या क्या दिया है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 150 वोल्ट, इंडक्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप दिया है वो 150 वोल्ट दिया है, ओके okay. एक्स्ट्रा और क्या दिया है। द करंट ड्रॉन बाय द एसी सर्किट इज 5, आई दिले 5 एम्पियर। वोल्टेज ड्रॉप अगेंस्ट अक्रॉस द इंडक्टेंस, आप लोग को पता है ना, बेसिक चीजें बताता हूँ। देखो RL सर्किट सब बेसिक क्वेश्चन, सब इतना लक्ष्य दे दो, में सब लोग ध्यान दो, दो में लिखो मत, अगर आप लिख रहे हो तो प्लीज लिखो मत। आर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, ये सर्किट दिखता कैसे आपको ये समझना चाहिए पहले, ये रेजिस्टेंस है आर। एल मंजे इंडक्टेंस, असास्तो इंडक्टेंस, और कैपेसिटेंस, ये तीन का है, अगर आपने इसका थ्योरी किया तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। इसके अराउंड जो वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज दिया है वी 180 वोल्ट, या सर्किट में जो करंट है तो भी फिक्स है, कितनी दिले 5 एम्पियर, और इसके फ्रीक्वेंसी कितनी दिए हैं 50 हर्ट्स, ये तीन गोष्टी दिले जो रेजिस्टेंस, यानी हाँ वोल्टेज अराउंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज अराउंड इंडक्टेंस, इसको आर बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, RL सर्किट दिया है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू दी है VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस कितना दिया है 150, बगैर 150 वोल्ट जो दिला है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस दिला है 150 वोल्ट। अब अगर सॉल्व कैसे करें, स्टेप फिक्स रसेल, पहला स्टेप सबसे पहले आपको VL दिया है, VL का फॉर्मूला है VL इज इक्वल्स टू I इंटू XL, I इंटू XL। VL का वैल्यू क्या दिला है आपको, 150, कैलकुलेट करना आप लोग, I I कितनी दिला है 5 इंटू XL, XL की वैल्यू कितनी थी बता, XL की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर XL। VL गिवन है, VL का फॉर्मूला है I इंटू XL, और एट द एंड ऑफ द सेशन 30 आ रहा है, 30, और ये रेजिस्टेंस है, तो इसका XL का यूनिट क्या होगा ओम। आप एक एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको धीरे धीरे ज्यादा समझ में आएगा। ये सबसे पहला स्टेप होगा RL सर्किट का, अगर क्वेश्चन आया तो VL कार्ड से I इंटू XL जैसा फॉर्मूला है, VL दिला है 150, I दिया आपको 5, XL मिल गया, ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, ये मिलने के बाद आप एक्सेल का फॉर्मूला यूज करोगे, 2 × 2π × FL, तो इसमें से आपको क्या क्या वैल्यू पता है, एक्सेल मिल गया 30, 2π × फ्रीक्वेंसी की दिलाई 50 × L, L मिल जाएगा, इंडक्टेंस मिल जाएगा, निकालो कितना आता है,
सिंपल आहे हा, मल्टिप्लाय लाईक इट जाऊन डिवाइड, किंवा हे सगळं ॲज इट इज टाकू शकता तुम्ही. 30 इक्वल्स टू 2π × 50 × x डाल सकते आप, एल के जगह पे एक्स डाल सकते. शिफ्ट सॉल इक्वल टू करेंगे वैसे भी आ जाएगा, या डिवाइड कर दो 30 डिवाइडेड बाय 2π × 50 कितने थे, कितना आ रहा आंसर, 0.0955. इज इट करेक्ट, करेक्ट है का वैल्यू, करेक्ट है क्या, और कोई तो एक टैली करो, क्योंकि मैं कैलसी वर्क नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशंस प्लीज आप लोग कीजिए, कैलकुलेशंस आप लोग कीजिए. आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करेंगे तो मुझे अकेले को दिखेगा वो मैसेज, इसका यूनिट हेनरी. ओके करेक्ट है, ठीक है थैंक यू. 0.0 ठीक. नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों स्टेप वाले, ये दो स्टेप में किसी को डाउट है क्या? टोटल 5 to 6 स्टेप्स होता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का है, 5 से 7 स्टेप होते हैं. और डायग्राम कोई भी आरएल सर्किट का आएगा तो ऐसे ही बनेगा, कौन सा ही आरएल सर्किट सा क्वेश्चन आना तरह से डायग्राम बनेगा, एक रेजिस्टेंस एंड एक इंडक्टेंस. थर्ड स्टेप, फर्स्ट आपने वीएल का फॉर्मूला यूज किया, सेकंड आपने एक्सएल का फॉर्मूला यूज किया, यही स्टेप रहता है यूजुअली. वीएल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, वीएल इक्वल्स टू 2π f l. नेक्स्ट थर्ड स्टेप, जेड इज इक्वल्स टू वी बाय आई, वोल्टेज आपको दिया है, टोटल वोल्टेज तो ये है 180 डिवाइड बाय आई जो दिया वो 5 दिया है, करंट 5 दिला ना, ये बताओ टोटल वोल्टेज आपको दिया है 180, करंट जो दिया है वो 5 है, 180 बाय 5 करो, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 36, 36 जेड मिल गया. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेर प्लस एक्सएल स्क्वेर, ये फॉर्मूले से आपको जेड जेड पता है 36, रेजिस्टेंस नहीं पता है, एक्सेल कितना दिया 30 स्क्वेयर, तो यहां से आपको आर मिल जाएगा. आर कितना आ रहा है देखो, यस 36 इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ r² 30 स्क्वेयर, ये कितने हैं, इसमें आंसर गलत है, कैलकुलेशन के लिए वेट कर रहा हूं मैं, क्या आ रहा है 19.9, बगा चेक कर, हाँ इतना कस सॉल्व करे समय थे ना, हाँ करेक्ट है 19.9, 19.899 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 19.9. हो गया फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, आपको वी आर कैलकुलेट करना है, और कोई भी क्वेश्चन हो मतलब कुछ भी पूछा रहने दो, अगर आपने ये सारी चीजें निकाल लिए ना तो ऑटोमेटिकली जो पूछा है वो निकल जाता है, या स्टेप नहीं केला ना, जे जे आपल्याला पाहिजे ते सगळं निघून जातो. एट द एंड ऑफ द मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें जो जो पूछा रहेगा वो सब कुछ मिल जाएगा. मैंने देखा नहीं अभी तक क्या पूछा एक्जैक्टली. आई का वैल्यू कितनी है 5, आर का वैल्यू कितनी आला 19.9, ये करो कितना आता है 5 × 19.9, 99.5 एनआर, राइट, ये भी आर हो गया. और देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि टफ कैलकुलेशन है, क्या टफ फॉर्मूला, फक्त है फॉर्मूला मध्ये वैल्यू टाकायचं आणि काढायचं, सिर्फ क्या है ज्यादा फॉर्मुलेज है, मतलब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो ट्रिक मैं बताता हूँ जैसे जैसे ये आगे जाएगा क्वेश्चन. जैसे जैसे मैं आरएल के और क्वेश्चंस लूंगा ना, आरएल जब कंक्लूड करूंगा तो लास्ट में आपको एक चीट कोड लिख के दूंगा कि आरएल का क्वेश्चन आया तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या गिवन है, यानी काय काय फॉर्मूला वापरायचं, कसं वापरायचं सांगून देईल, कैसे यूज करना है, जेड चा फॉर्मूला है. ये वाला जो कैलकुलेशन है आपको कॉम्प्लेक्स मोड पे करना पड़ेगा, हा जो फॉर्म असेल ना तो कॉम्प्लेक्स मोड मध्ये करायचं आहे. आर चा वैल्यू किती आला होता 19.9 प्लस जे, एक्सेल की जो वैल्यू आई है वो 30 आई थी, ये आपको आर मिल गया. अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, आवाज नहीं है, आवाज आ रही है क्या मेरी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही. श्रावणी, श्रावणी येते आवाज, मे बी तुझा तिकडे प्रॉब्लेम असेल, कारण बाकीचे बोलताय आई येते, पण सगळ्यांना येते आवाज.
ये वाला जो कैलकुलेशन है ना 19.9 प्लस जे, जे मीन्स आए कैल्सियम एक्चुअली, ये कैसे करना है आपको बताता हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स मोड पे जाओ, कॉम्प्लेक्स मोड पे कैसे जाना है देखो, मैं कैलकुलेशन एक्सप्लेन करता हूँ। कॉम्प्लेक्स मोड पे जाना, कॉम्प्लेक्स मोड वरती, कॉम्प्लेक्स मोड पे कैसे जाना है पहले बताओ। मोड टू, मोड टू मध्ये कॉम्प्लेक्स बरोबर, हाँ उसमें टाइप करो 19.9 प्लस आय। कैसे टाइप करना है, ईएनजी वाला बटन, ईएनजी का बटन है ना त्याच्या वर आय बघा, उसके ऊपर आय लिखा हुआ है पर्पल कलर में आय। तो आप जे के गे पे आय टाइप करो, आय इंटू 30 या 30 30 आय, 30 आय। इज इट डन? फिर शिफ्ट टू प्रेस करो, एक बार मोड टू में जाओ और ये टाइप करो। ये कैसे टाइप करोगे आप, 19.9 प्लस 30 आय ऐसे टाइप करोगे आप कैलसी में। इज इट डन? प्लीज टाइप डी इन द चैट बॉक्स अगर यहां तक समझ जाए तो, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत लोग को नहीं आता है। आप लोग अगर प्रॉपरली करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ तो समझ जाएगा आपको ऑनलाइन भी, ऐसा कुछ नहीं। 19.9 प्लस 30 इंटू आई ऐसा टाइप करा, ओके कैसे टाइप करोगे आप मोड टू में? कॉम्प्लेक्स मोड पे जाने के बाद ही वो आई पर प्रिंट होगा, और आई कहाँ पे, ईएनजी वाले बटन पे। ईएनजी का जो बटन है ना उसके ऊपर वो वाला बटन प्रेस करोगे तो आई आ जाएगा। वो होने के बाद आप लोग क्या टाइप करो, शिफ्ट यानी टू, शिफ्ट एनी टू, हाँ मोड टू नहीं बोल रहा मैं, शिफ्ट और टू प्रेस करो। आपके पास चार ऑप्शन आएंगे, वन कैलसी पे चार ऑप्शन दिखेंगे। चार ऑप्शन क्या क्या आएंगे मैं बताता हूँ आपको। एक ए आर जी आएंगे, आर्ग्यूमेंट कॉन जे जी ऐसा एक ऑप्शन आएगा। आर एंगल थीटा, ए प्लस बी है, हमको सिर्फ थ्री और फोर का काम है तो थ्री टाइप करो, थ्री प्रेस करो, ए प्लस बी के फॉर्म में थ्री टाइप करो और इक्वल टू प्रेस करो, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। देखो 36.00 आया, देखो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 36.00 मतलब अप्रोक्सीमेटली 36। आप आगे जाओगे तो एंगल 56.44 आया है। ये आया क्या, ये आ जाएगा आपका जेड, जेड इस फॉर्म में आना चाहिए। इज इट कमिंग? देखो वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैलसी। सबसे पहले मोड टू, किसी को नहीं आया तो कुणाल नहीं समझ ले बगा, परत सांगतो मैं कैलसी, कैलसी फिर से बताता हूँ। मोड टू में जाओ और ये टाइप करो 19.9 प्लस आई इंटू 30 या 30 इंटू आई, ई एन जी के बटन से आप आई प्रेस कर सकते हो, आ जाएगा। आप अगर प्रॉपरली करोगे ना तो आ जाएगा। मोड टू में जाके 19.9 प्लस 30 इंटू आई ये टाइप कीजिए। नहीं, एंगल 0.98 नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी किया कैलसी पे शिफ्ट। उसके बाद ये एक बार टाइप हो गया, फिर शिफ्ट और टू प्रेस करो, शिफ्ट और फिर टू, फिर ये चार ऑप्शंस दिखेंगे उसमें से थर्ड वाला सिलेक्ट करो, प्रेस थ्री, वही ऑन जाए 36.00 का रियल प्लस सॉरी एंगल 56.44 समथिंग पूरे काट तरी पूरे तुम बगल का हाल का। उदय उदय बोल रहा नहीं है, एंगल 0.98 नहीं है, और इसके बाद का मैं कैलसी कैसे बताऊं अभी ऑनलाइन ऐसा है, क्योंकि कैलसी आपको ये कैलसी वाला जो स्टेप है वो आपको समझना चाहिए ऐसा है। मोड टू आपने कुछ तो भी गलत किया रहेगा, नाइनटी आपका मोड कौन सा है, मोड डिग्री होना चाहिए, मोड डिग्री, डिग्री मोड कैलसी में एचएसआरटी डिग्री, डिग्री मोड होना चाहिए उदय, अगर रेडियन रहेगा तो गलत आएगा, हाँ मोड रॉन्ग है ओके। और नेक्स्ट सेवेंथ स्टेप, सेवेंथ स्टेप आपको फाइव मिल गया, ये जो एंगल आया ना 56.44 ये आपका फाइ है, दिस इज योर फाइ।
फाइव आपको क्या मिला, 56.44 डिग्री। नंतर काय काढायचंय, पॉवर फॅक्टर, पॉवर फॅक्टर इज इक्वल टू कॉस फाय असते, फाय की वैल्यू इसमें पुट कर दो, कॉस ऑफ 56.44, तो आपको 56.44 कॉस, डिग्री मोड पे है, कैल्सी डिग्री मोड पे होना चाहिए। और लास्ट में आपको फेजर डायग्राम निकालना पड़ता है, टोटल 8 स्टेप से, 8 मार्क्स से। यस, 0.55। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सब लोग, आरएल जो सर्किट होता है ना, उसमें जो एंगल होता है वो हमेशा लैगिंग होता है। आरएल सर्किट में जो थीटा होता है, कॉस फाई जो होता है, पावर फैक्टर, वो हमेशा लैगिंग होता है, याद रखना, लैगिंग वर्ड। और डायग्राम कैसे बनती है, डायग्राम फिक्स डायग्राम बनाना है आपको, कोई भी फेजर डायग्राम। टोटल 8 स्टेप्स होते हैं, 8 मार्क्स के लिए। जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है ना यूनिट 3 पे, वो यही है। इसके और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करूंगा आपको और ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देख लो, फिर मैं फॉर्मेट बताता हूँ, लिख लेना है वो नोटबुक पे, लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। वीएल ये वाला आपका हमेशा, ये डायग्राम फिक्स रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन, डायग्राम ऐसे ही बनेगा। वीएल वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे आई होगा, और ये आपको स्क्वायर ऐसे बनाना है, यहाँ वी आर एस, ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका वी आर, ये वाला आपका वी, ये वी एल, वी एल कितनी ला होता है 150, ये कितना आया था वी आर वोल्टेज एट जो आर 99.5, ये वी आर आया, ये वैल्यू वहां पे लिख लो, वी आर कितना आया था 99.5 वोल्ट, ये 150 दिया था, और वी कितना दिया था 180, वी 180 दिला होता, गिवन होता, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है ये आपका फाई होता है, और फाई कितना है 56.44 डिग्री, दैट्स इट, न्यूमेरिकल सॉल्व। देखो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, स्टार्ट टू एंड, एक बार समरी बताता हूँ। ये आरएल सर्किट का क्वेश्चन कैसे किया, 2019 से है, क्वेश्चन नंबर 1C, एंड न्यूमेरिकल सीरीज हम लोग ना तुम्हें आराम पास ऑन जाना था सर, कि न्यूमेरिकल सी ऑलमोस्ट नहीं बोला तो 50+ मार्क्स तो न्यूमेरिकल ही है पेपर में जो आपको अटेम्प्ट कर सकते। हाँ, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बगा, अगर आपको सच में समझना है ना, ऑनलाइन हो आप लोग, इसलिए मुझे भी नहीं पता आप क्वेश्चन देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्योंकि मोबाइल पे क्वेश्चन भी होगा, मोबाइल पे आप स्क्रीन भी देख रहे हो, तो साइमल्टेनियसली आप देखो। अगर क्वेश्चन मित्रा सा मोबाइल और ओपन करा, ये क्वेश्चन बगा, आरएल सर्किट व्हेन सप्लाइड बाय 180 वोल्ट, जो सप्लाइड वोल्टेज है ना, वोल्टेज है नॉर्मल वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज चार आजूबाजूला काहीच नहीं दिला है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, तर नॉर्मल वोल्टेज असेल, वोल्टेज के बाजू में कुछ भी नहीं दिया, जैसे कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज है या इंडक्टेंस का, तो नॉर्मल वोल्टेज है वी, ये गिवन है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज ही होता है इंडिया में, ये फिक्स है, तो क्वेश्चंस में भी आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन देख लो, फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है 50 हर्ट्ज, नहीं दिया तो याद रखना फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट, करंट का दे लेते सर, करंट 5 एम्पियर नीचे दिया है, उससे पहले आपको दिया 50 वोल्ट, पर वो कौन सा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मजे एल, तीन चीज होती है ना, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस यानी कैपेसिटेंस, तो आर इंडक्टेंस के लिए, एल इंडक्ट, आर रेजिस्टेंस के लिए, एल इंडक्टेंस के लिए, और सी रहता है वो कैपेसिटेंस के लिए, तीन चीज। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इज इक्वल टू 150 वोल्ट, ये हो गया, ये डायग्राम बनाओगे आप, ठीक है। फिर ये स्टेप्स रहेगा, पहला स्टेप वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, तो वी एल पता था, आई पता था, यहाँ से एक्सएल मिल गया, फिर एक्सएल का फॉर्मूला यूज किया, 2 पाई FL, अपने एक्सएल बैठला 30, 2 पाई तक कॉन्स्टेंट है, इंटू इंटू एफ, एफ आपका 50 है, इंटू एल, एल मिल गया। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, जेड इज इक्वल टू वी बाय आई आर, 180 बाय आई, जेड मिल गया, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, पहले आर माहित नहीं होता, बाकी दोनों माहित होता, आर बैठता है कैल्सियम मिले, फिर आपको वी आर मिल जाएगा, उसके बाद जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे इंटू एक्सएल, आर पता है, और ये वाला सिर्फ कैलकुलेशन आपको समझना, कॉम्प्लेक्स मोड पे आके ये करना है कैलकुलेशन, ठीक है। अगर इनकेस किसी को नहीं समझ में आता, पूछो, मतलब आपके दोस्तों को वगैरह पूछ लेना, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मतलब आज जैसे नहीं रहूंगा तो मैं कल रहूंगा अगर क्लास में, तो तब जाके आप पूछ लो ये कैलसी में कैसे करना है, इफ पॉसिबल Shift 2 और ये वाला 3 प्रेस करना, ये आ जाएगा आपका, और ये जो रहता है ये आपका फाय रहता है, आपको फाय ऐसे मिलेगा, एंगल आला है 56.44, ये आपका फाय, और वहां से पावर फैक्टर मिलता है। देखो आप क्या
अब देखो आप पूछा क्या क्या गया है, एक मिनट बघा क्वेश्चन मध्ये कैलकुलेट काय काय म्हटले है, बघा सगळे आंसर्स भेटले का। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने सिर्फ सिर्फ गिवन देखा और सॉल्व किया है। मैं क्वेश्चन अभी अभी रीड कर रहा हूँ। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब यही है, एक्सेल इसका मीनिंग है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपको एग्जाम में चेक करने की भी जरूरत नहीं क्या पूछा है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ा था, हम अपने स्टेप से करेंगे ऑटोमेटिकली सब मिल जाता है जो चीज। ये पहले विचार ले, त्यानंतर इंडक्टेंस विचार ले। इंडक्टेंस मतलब क्या, एल, ये सेकेंड आपको पूछा है इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्या पूछा है देखो, रेजिस्टेंस। हाँ रेजिस्टेंस है आर, आपको रेजिस्टेंस पूछा है, ये भी मिल गया रेजिस्टेंस आर। किसको क्या बोलते हैं आप लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो ना लग। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सेल, इंडक्टेंस मतलब एल, रेजिस्टेंस मतलब आर। बस उनका क्या विचार है, वी आर पर विचार है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये वी आर डायरेक्ट पूछा है, वी आर ही पूछा है। और क्या पूछा आपको, पावर फैक्टर, पी एफ पूछा है, पावर फैक्टर। और आपको फेजर डायग्राम बोला था, तो सारी चीजें मिल गए, सगल गोष्टी भेट ले। सभी चीजें मिल गई। आप लोग एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि मीटिंग एंड होगा, और मीटिंग एंड हुआ तो फिर मैं आपको 2 मिनट में नया लिंक दूंगा, उस लिंक से ज्वाइन करें। ऐसे करते करते जितने क्वेश्चंस होंगे होंगे, अगर इनकेस बच गया तो कल सुबह ले लूंगा, टोटल क्वेश्चंस कर लेंगे, बट सारे न्यूमेरिकल्स करूंगा मैं, 3, 4 और 6 के। 5 के ऑलरेडी सिखाए हुए यूट्यूब पे है, मतलब तो ये होने के बाद मैं ये भी यूट्यूब पे डाल दूंगा। बगा हाँ फर्स्ट पेज है, हाँ सेकंड पेज है, तो स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते। थर्ड हो गया, ये 3 पेज, 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। तो मला ये सांगा काय अवघड है, फॉर्मुला, फॉर्मुला मध्ये वैल्यू टाकायचं, फॉर्मुला सिर्फ अगर आपके पास लिस्ट है बस, फॉर्मुले में वैल्यू टाक। 8 मार्क्स का, 8 मार्क की थ्योरी पढ़ना और 8 मार्क्स मिलेगा नहीं, न्यूमेरिकल मध्ये वैल्यू करेक्ट है, मुझे मार्क्स पूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आरएल का ही लेता हूँ मैं, और कौन से ईयर में पूछा है देखते, क्या आपको कनेक्ट हो, आरएल सर्किट के क्वेश्चंस करते कैसे, या सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन, या पेपर में देना सिले, एक पेपर में देकर देते हैं। आरएल आरसी या किसी ना किसी का क्वेश्चन होगा ये। 2022 2022 का जो पेपर है ना, उसमें आरएलसी का क्वेश्चन है, इतना याद रखो, आरएल, आरएलसी या आर आरसी, ये तीनों में से एक पेपर तो एक एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप 2023 में आरसी विचार ल, आरएल भी पूछा है, आरसी आरसी पूछा है, आरसी विचार ल। देखो आपको 2019 में आरएल पूछा है, 2022 का जो एंडसेम पेपर है उसमें आरएलसी पूछा गया है, आरएलसी का न्यूमेरिकल। 2023 में दोन पेपर असते, एक में आपको आरसी पूछा गया है, आरएल 2023 जो मार्च है, हाँ नवंबर दिसंबर से है, एक मार्च 2023 है क्वेश्चन, मार्च आरएल विचार में, तो ये वाला करते हैं, ये वाला पेपर लो, मार्च 2023 का ओपन कर क्वेश्चन, मार्च 2023 ओपन कर, जल्दी ओपन करना, आपके पास 4 मिनट, 5 मिनट है, 5 मिनट तक करो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट घेत जावा नहीं तो डाउन जाए। क्वेश्चन नंबर 1C, परत 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है, ये 3 पैटर्न हर एक पेपर में आएगा, आरएल, आरएलसी, आरसी, आरएल, ऐसे मुझे आता पर्यंत जो इच्छा मिला। हाँ क्वेश्चन देखो, कौन सा ईयर है, मार्च 2023, सापड़ लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बगावर समझ। हाँ देखो वो क्वेश्चन, एक कॉइल ऑफ 100 मिली हेनरी बरोबर, तो उस क्वेश्चन है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1C, मार्च 2023। तो नहीं दा चेक करा, क्वेश्चन मिल रहा है क्या? चेक करो, ये क्वेश्चन का मैं स्टार्ट बताता हूँ। ऐसा है, एक कॉइल ऑफ 100 मिली हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 25 ओम रेजिस्टेंस। ओके, ग्रुप वर नहीं है का मार्च 23 से क्वेश्चन। ठीक है, एक काम करो, आप रिजॉइन करो, मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ, क्योंकि 3 मिनट में क्वेश्चन लिखना होगा नहीं और फिर सॉल्यूशन बताना। मैं ये एंड करता हूँ ये मीटिंग, आप रिजॉइन कीजिए, नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ।